नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। दो दिन उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई हिस्सों में बरसेंगे बादल। राजस्थान और विदर्भ में दो दिन चलेंगी तेज हवाएं, वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी में भी तेज हवाओं की संभावना। तमिलनाडु के परमाथी में अधिकतम तापमान रहा 37.5 डिग्री। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज। तो अभी आपने देखी मौसम से जुड़ी सुर्खियां, आइए अब देख लेते हैं मौसम की खास खबरें। खास खबर में कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं होगी तेज बरसात। आज और कल हिमाचल प्रदेश और कल उत्तराखंड में बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कहीं कहीं बरसेगा पानी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा संभव। असम और मेघालय में आज कहीं कहीं हो सकती है खूब बरसात। आज ओडिशा में भी कहीं कहीं काफी मूसलाधार बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में दो दिन और छत्तीसगढ़ में आज जोरदार वर्षा के आसार। दो दिन राजस्थान में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। रायलसीमा में दो दिन कहीं कहीं बरसेगा पानी। दो दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में काफी तेज वर्षा संभव। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में दो दिन होगी खूब बरसात। आज लक्षद्वीप में कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। आज गांगी पश्चिम बंगाल में बिजली कड़कने के साथ चल सकती है तेज हवाएं। मध्य प्रदेश में दो दिन और छत्तीसगढ़ में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। दो दिन राजस्थान और विदर्भ में भी बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज तटीय आंध्र प्रदेश और दो दिन रायलसीमा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। दो दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। दो दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब नजर डालते हैं आज और कल देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही दो दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में दो दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में दो दिन कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना है। दो दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण गोवा में दो दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन कई हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कई जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में दो दिन कई हिस्सों में बरसात होगी। दो दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादा इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में दो दिन अधिकतर जगह बरसात का अनुमान है। दो दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। अब नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। देखते हैं मौसम की चाल। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं हुई बरसात। असम और मेघालय में कुछ जगह बरसा पानी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अधिकतर हिस्सों में बरसे बादल। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर स्थानों पर हुई वर्षा। ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों में हुई बारिश। राजस्थान के कई हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह हुई वर्षा। सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण गोवा में कहीं कहीं हुई बारिश।
तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई स्थानों पर हुई बरसात। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बरसा पानी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं हुई वर्षा। लक्षद्वीप में कुछ जगह बरसे बादल। ओडिशा, बिहार और झारखंड में चली तेज हवाएं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में चली तेज हवाएं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी चली तेज हवाएं। तो अभी हमने जाना पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत हरियाणा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु में रहा। तमिलनाडु के परमाती में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात न्यूनतम तापमान की करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहां पारा 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की। यहाँ भी बारिश हो रही है और ऐसे में इस मौसम में हमारे किसानों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि उनकी फसलों को नुकसान ना हो और अच्छी पैदावार मिल सके। तो कौन कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस समय यहाँ के किसानों को, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में किसान मूंग और उड़द की कटाई कर सकते हैं। गन्ने और सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें और अरहर की निराई का काम कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान सूरजमुखी की कटाई कर सकते हैं। साथ ही कपास की बुआई का भी समय चल रहा है। समय रहते इसकी बुआई कर लें और जो किसान पहले ही कपास बो चुके हैं वो अब उर्वरक डालें। इसी तरह मक्का और अरहर में भी उर्वरक डालें। दूसरी ओर मूंगफली में लगातार निगरानी करते रहें और कीटों का प्रकोप होने पर वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही लाल मिर्च की रुपाई से पहले कीटनाशक छिड़क लें और बैंगन की टहनियों की छटाई कर लें। वहीं बैंगन में कीटों से बचाव के लिए सही कीटनाशक का छिड़काव करें। जिन किसानों की टमाटर की पौध तैयार हो गई है वो अब रुपाई कर लें। राज्य के किसान अरंडी और बाजरे की बुआई भी कर सकते हैं। आम में इस समय कीट लगने का अंदेशा है,
प्रकोप होने पर वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशक छिड़के। कर्नाटक में पपीते और अदरक की रुपाई भी इस समय कर सकते हैं। साथ ही अदरक, हल्दी और कॉफी के खेतों से पानी की निकासी का प्रबंध करें। केरल के किसान धान और मूंगफली में उर्वरक का उपयोग करें और केले में निराई कर ले। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तैयार कर ले। यहाँ के किसान मक्का और कपास की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही कपास में सिंचाई और गन्ने में उर्वरक डालने का काम करें। तमिलनाडु में सब्जियों की नर्सरी तैयार करें और केले में जल निकासी का प्रबंध कर लें। लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट मौसम अनुसार खेती पर। और आइए बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पालक के बारे में। जी हाँ, पालक की बात करें तो वैसे तो इसे पूरे देश में पैदा किया जा सकता है, इसकी पैदावार पूरे देश में ली जा सकती है, लेकिन विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती की जाती है। तो अगर आप भी पालक की फसल लेना चाहते हैं तो ये मौसम बिल्कुल उपयुक्त है। वो कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखकर हमारे किसान पालक की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अपनी फसलों को कीट और बीमारी से बचा सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ही ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। एक हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले बीज को थीरम, बाविस्टिन, सेरोसॉन या कैप्टॉन से जरूर शोधित कर लें। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में ज्यादा खरपतवार हो सकती है तो बुआई से 2-3 दिन पहले 3.5 पेंडामेथ्रिन को पानी में घोलकर छिड़के। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की रोकथाम के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर छिड़के। डंपिंग ऑफ के लिए इतनी ही मात्रा में कार्बन डाइजिन का छिड़काव करें। एक हेक्टेयर के लिए 2 किलो दवा पर्याप्त होती है। लीफ माइनर, चेम्पा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए डाइमेथोएट की 2 मिलीलीटर यानी करीब 1 छोटी चम्मच मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इसके अलावा 2 ग्राम मिथाइल पैरामियन 50 ईसी को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़के। तो ये थी हमारी आज की फसल। इसी के साथ ही वक्त हो गया मौसम अनुसार खेती का, आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती। मध्य प्रदेश में बैंगन और लाल मिर्च की नर्सरी तैयार करें। मध्य प्रदेश में टमाटर की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान। फलों में जल निकासी का प्रबंध कर लें। मध्य प्रदेश में कपास में उर्वरक का उपयोग करें। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश में मक्के में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। दलहन में भी जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं किसान। मध्य प्रदेश में आम की रुपाई कर लें। मध्य प्रदेश में अमरूद और नींबू की भी रुपाई करें। लौकी और करेले में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। छत्तीसगढ़ में धान की रोपाई करते रहें, धान में उर्वरक का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ में अरहर मक्के की बुआई कर लें, मूंगफली की बुआई कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के किसान। छत्तीसगढ़ में मक्के और अरहर में गुड़ाई करें, अरहर में उर्वरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फलों की रोपाई कर सकते हैं किसान, दलहन में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें, रागी में भी कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हुई बातें। आइए एक बार फिर से मौसम की झलकियों पर डालते हैं नजर। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं होगी तेज बरसात। आज और कल हिमाचल प्रदेश और कल उत्तराखंड में बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कहीं कहीं बरसेगा पानी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा संभव। असम और मेघालय में आज कहीं कहीं हो सकती है खूब बरसात। आज ओडिशा में भी कहीं कहीं काफी मूसलाधार बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में 2 दिन और छत्तीसगढ़ में आज जोरदार वर्षा के आसार। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। रायलसीमा में 2 दिन कहीं कहीं बरसेगा पानी। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में काफी तेज वर्षा संभव। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2 दिन होगी खूब बरसात। आज लक्षद्वीप में कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। आज गांगी पश्चिम बंगाल में बिजली कड़कने के साथ चल सकती है तेज हवाएं। मध्य प्रदेश में 2 दिन और छत्तीसगढ़ में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन राजस्थान और विदर्भ में भी बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज तटीय आंध्र प्रदेश और 2 दिन रायलसीमा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। मौसम की झलकियों के बाद अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे किसानों को मौसम खबर से मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।